वन वेलकम टू गम इन दिस वीडियो हम हिमाचल बजट डिस्कस करेंगे 2022-23 -20 का और हम इसमें बजट एट ए ग्लैंस देखेंगे और हिमाचल सरकार द्वारा जो अनाउंस की की गई कुछ स्कीम्स हैं या कुछ अनाउंसमेंट्स हैं बजट की वो हम देखेंगे अगर आपका कोई भी डाउट रहता है सो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन इस वीडियो की जो पी रहेगी जो नोट्स रहेंगे वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सो यू कैन चेक इट एंड डाउनलोड इट फ्रॉम देयर सो लेट्स गेट स्टार्टेड इस बार का जो हिमाचल का बजट था उसको आ, देखो चार साल पूरे हो गए हिमाचल सरकार के तो उन्होंने क्या आ, इसके लिए स्लोगन दिया था सेवा और सिद्धि के चार साल समृद्धि के ठीक है ये लास्ट ईयर है फिफ्थ ईयर चल रही है हिमाचल सरकार की अभी जो करंट गवर्नमेंट है और जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट और उसके बाद जो है वो इलेक्शन होंगे नेक्स्ट ईयर और फिर जो है वो एक नई गवर्नमेंट बनेगी दोबारा से ठीक है नई विधानसभा बैठेगी चलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करेंगे बजट एट की और इसमें हम बात करेंगे रूपी कम्स फ्रॉम एंड रूपी गोज टू मतलब हिमाचल सरकार जो है उसका जो बजट है उसमें पैसा कहाँ से आ रहा है और एक्सपेंडिचर कहाँ पे हो रहा है मतलब रुपया कहाँ से आ रहा है और रुपया कहाँ जाएगा उनका ठीक है सो so, हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा देखो ये परसेंटेज में अगर इसको टोटल करोगे आप तो ये पूरा हंड्रेड हो जाएगा ठीक है सो सेंट्रल टैक्सेस से थर्टीन पॉइंट फोर एट परसेंट पैसा जो है वो उनका आता है स्टेट टैक्सेस से इक्कीस पॉइंट सिक्स थ्री परसेंट पैसा आ रहा है ठीक है ये वहाँ से आ रहा है नॉन टैक्स रेवेन्यू से फाइव ग्रांट्स फाइव एड जो आती हैं सहायता जो आती है थर्टी वन पॉइंट सेवन जीरो यानी सबसे ज़्यादा ठीक है ग्रांट्स इन एड से आता है सेंट्रल सरकार से जो ग्रांट्स आ रही होंगी राइट लोन रिकवरी ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो नाइन परसेंट एंड पब्लिक डेट ट्वेंटी फोर पॉइंट नाइन वन और जमा एंड अग्रिम जिसको हम कहते हैं टू पॉइंट सिक्स एट तो अगर सबसे ज़्यादा बात की जाए रिसेप्स रुपया कैसे आएगा सरकार के पास वो है ग्रांट्स इन एड से ठीक है थर्टी वन पॉइंट सेवन ज़ीरो अब बात करते हैं रुपए जाएगा कहाँ एक्सपेंडिचर ठीक है रुपी गोस टू कहाँ सामान्य सेवाओं में जो जनरल सर्विसेज होती हैं उसमें थर्टी वन पॉइंट right? सिक्स थ्री राइट और सोशल सर्विसेज में थर्टी वन पॉइंट फोर सिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर है और सबसे ज़्यादा भी है एक जनरल सर्विसेज में थर्टी वन पॉइंट पॉइंट सिक्स थ्री जा रहा है और सोशल सर्विसेज में थर्टी वन पॉइंट फोर सिक्स जा रहा है देन इकनॉमिक सर्विसेज में ट्वेल्व पॉइंट एट सिक्स ठीक है लोन्स एडवांस में पॉइंट वन नाइन कैपिटल एक्सपेंडिचर में टेन पॉइंट नाइन नाइन ठीक है सब्सिडीज़ में आपका अप्रॉक्स ढाई परसेंट एंड लोन पेमेंट में आपका टेन पॉइंट फोर ज़ीरो और ग्रांट्स इन एड में जीरो पॉइंट जीरो टू जो सरकार आगे ग्रांट्स देती है पंचायत या म्यूनसिपैलिटी को या जगह पर ठीक है सो ये है सरकार के बजट का एक बजट इंडिकेटर कि कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ पैसा जाएगा देखो जो बजट होता है वैसे तो बजट नाम की कोई ऐसा वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट राइट तो ये जो एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट है हमारी वो हमारी सेंट्रल सरकार प्रिपेयर करती है फॉर होल कंट्री एंड हमारी स्टेट सरकार प्रिपेयर करती है फॉर द स्टेट और ये एस्टिमेट्स होते हैं आने वाली साल के खर्चों के और कहाँ से अर्निंग्स होंगी उसके ठीक है तो दीज आर जस्ट एस्टिमेट्स और बजट जो है वो आपको मैं ये भी बता दूं कि बजट में कुछ चीज़ें जो हैं वो बताई होती हैं थोड़ी डिटेल में कि हम यहाँ पे ये करने वाले हैं और कुछ जनरल वेग अनाउंसमेंट्स होती है कि हम ये करेंगे लेकिन उसका ब्यौरा कुछ नहीं होता ठीक है तो दोनों चीज़ें देखेंगे हम आगे कि किस तरह की अनाउंसमेंट्स जो हैं वो हिमाचल सरकार ने की हैं डन देन हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स कहाँ कहाँ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में एक्सपेंडिचर सरकार कर रही है ठीक है तो देखो एजुकेशन में ये डिपार्टमेंट ये सेक्टर वाइज है ठीक है जी अब बात करते हैं चाहे वो जनरल सर्विसेज हों चाहे वो सोशल सर्विसेज हों चाहे वो इकोनॉमिक सर्विसेज हों लेकिन अब यहाँ पर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं सेक्टर वाइज बात कर रहे हैं तो पहले हम बात करते हैं एजुकेशन की शिक्षा की तो सोलह परसेंट जो है ठीक है सो अगर सौ रुपए की इनकम है तो सोलह रुपये जो है वो किस में जा रहे हैं एजुकेशन में जा रहे हैं हेल्थ में कितने जा रहे हैं छ परसेंट ठीक है यानी जीरो सिक्स ठीक है तो छः परसेंट जो है वो हेल्थ में जा रहा है सोलह परसेंट जो है वो शिक्षा के लिए जा रहा है रूरल डेवलपमेंट के लिए कितना जा रहा है तीन परसेंट ठीक है तीन परसेंट जो है वो हिमाचल सरकार का बजट खर्च हो रहा है रूरल डेवलपमेंट पे ठीक है और तीन परसेंट ही हो रहा है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एनिमल हजबेंड्री एंड फिशरी पे ठीक है जी पब्लिक वर्क्स रोड ब्रिजेस जो भी हैं, लोक निर्माण में 9% जा रहा है वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन में 4% जा रहा है अन्य सेवाओं में अदर में 15 जा रहा है ठीक है 15% सोशल वेलफेयर स्कीम में 4% जा रहा है आपका पेंशन में 15% जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट में 10% जा रहा है लोन पेमेंट में 10% जा रहा है इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल में दो परसेंट और ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म में तीन परसेंट अब यहाँ से आइडिया लगाओ कि सब देखो आप कि सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहा है देखो एक तो ये हो गया एजुकेशन ठीक है सिक्सटीन एजुकेशन में सबसे ज़्यादा जा रहा है ठीक है जी उसके अलावा जो है वो पेंशन में फिफ्टीन जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट और लोन पेमेंट में जो है वो कितना जा रहा है टेन परसेंट ठीक है तो ये मेजर जो है वो एरियाज हैं हेल्थ में है और ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पर ठीक है ये सिक्स है जो डेवलपमेंट के काम है उनमें भी ज़्यादा होना चाहिए ये नौ है यहाँ पर प, जो लोक निर्माण है वहाँ पर नाइन है ठीक है एनिमल हस्बेंड्री वगैरह में तीन है वाटर सप्लाई में चार है सो दीज आर द सेक्टर्स डिफरेंट सेक्टर्स यहाँ पर और अन्य में देखो जो बाकी रह गए मस्लिनियस वहाँ पर पंद्रह है ठीक है सो so, ये है आपका एक्सपेंडिचर शेयर डिपेंडिंग अपॉन सेक्टर वाइज तो आप बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर सरकार किस पे कर रही है ये बजट देख के तो हमें यही लग रहा है कि कहाँ पे किया जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा है ठीक है ठीक है आगे हम रिसिप्ट की और एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं खास रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती हैं सरकार की जो रिकरिंग होती हैं बार बार आती हैं और वो उनकी एक तरह से एसेट्स होती हैं ठीक है और एक्सपेंडिचर उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है ठीक है उसी को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं तो सरकार का जो मेन रेवेन्यू रिसिप्ट वो देखो कहाँ से आ रही हैं ठीक है फोर्टी फोर परसेंट ग्रांसनेड ठीक है रिसिप्ट अर्निंग ठीक एंड उन्नीस परसेंट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस से आती हैं सात परसेंट स्टेट ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू से आती हैं उन्नीस परसेंट टैक्सेस से और सात परसेंट नॉन टैक्स से और 30 परसेंट जो है वो स्टेट के अपने टैक्सेस से आ रही है जो सरकार राज्य सरकार टैक्सीज लगाती है उससे कितना परसेंट आ रहा है 30 परसेंट ठीक है तो ये हो सकता है आपको पेपर में ऐसे ही पूछ लिया जाए हिमाचल के एग्जाम्स में आपको फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं हो सकता है ऐसे पूछ लें कि बताइए कि आ, स्टेट के अपने टैक्सेस से उनको कितनी रेवेन्यू जनरेट होते हैं ठीक है थीके? तो कितने परसेंट हो रहे हैं थर्टी परसेंट ये आपने याद रखना है स्टेट के ओन टैक्सेस से कितना हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है थर्टी परसेंट ग्रांट से कितना अच्छा सबसे ज़्यादा किससे हो रहा है ये भी पूछा जा सकता है तो ग्रांट इन एड से सेंट्रल टैक्सेस से उन्नीस और नॉन टैक्स से जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है हमारा उससे सात परसेंट ठीक है जी अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर की हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो कहाँ कर रहे हैं ज़्यादा इकोनॉमिक सर्विसेज में बीस ठीक है पैसा जो है वो हम डाल रहे हैं जनरल सर्विसेज में चालीस परसेंट एंड सोशल सर्विसेज में हम चालीस परसेंट तो जनरल और सोशल सर्विसेज में हमारा ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है चालीस चालीस परसेंट और इकोनॉमिक सर्विसेज में हमारा बीस परसेंट हो रहा है ठीक है ये आपने मोटी मोटी फिगर्स याद रखनी है रेवेन्यू रिसिप्ट की और एक्सपेंडिचर की यहाँ से हो सकता है डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए और right, आगे चलते हैं हिमाचल प्रदेश बजट 2022 की कुछ मेन अनाउंसमेंट्स और कुछ मेन पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अब ये देखो जैसे कि मैंने आपको बोला बताया कि फो, चार साल जो हैं वो इस सरकार के पूरे हो चुके हैं ठीक है ठीके? और एक साल रहता है अभी ठीक है तो फिफ्थ बजट जो है वो इन्होंने पेश किया है तो सी जो हैं जयराम ठाकुर जी उन्होंने फिफ्थ बजट अपना दो हज़ार का प्रजेंट किया बजट प्रजेंटेड डिजिटली

अच्छा क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट uh, से जुड़े हैं और आप बच्चों आप सभी बच्चों को ये जान के एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानने के लिए ज़्यादा क्यूरोसिटी रहेगी तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि सी एम प्रोमिस थर्टी थाउजेंड न्यू गवर्नमेंट जॉब्स लेकिन देखो ये इतनी वेग सी स्टेटमेंट है ना कि मैं ये नहीं बोल सकती हूँ यहाँ पर कि कहाँ और कब बस ये हर बार का ना एक होता है जैसे सेंट्रल सरकार ने किया ना आपको साठ साठ हज़ार जॉब्स मिलेंगी ठीक है ये साठ लाख जॉब्स मिलेंगी ठीक है इस सर से आती ना आप ट्वेंटी लाख रुपीज़ इस चीज़ के लिए हम खर्च करेंगे पर कब करेंगे कैसे करेंगे ये वेग स्टेटमेंट्स होती हैं ठीक है अब छः लाख जॉब्स निकलेंगी पाँच लाख जॉब्स निकलेंगी साठ लाख जॉब्स निकलेंगी साठ हज़ार जॉब्स निकलेंगे ये कहाँ कब निकलेंगी कैसे निकलेंगी कौन से डिपार्टमेंट में निकलेंगी उसका कोई कैलेंडर है ऐसा कुछ नहीं है बस एक अनाउंसमेंट कर दी गई है कि तीस नई सरकारी जॉब्स निकलेंगी वो कब निकलेंगी कैसे निकलेंगी कौन से डिपार्टमेंट में निकलेंगी इसका कोई ब्यौरा नहीं है ठीक है सो ऑल्सो ही सेट दैट की 500 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर हाँ ये एक पर्टिकुलर जो मैंने इसके साथ पोस्ट असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर्स विल बी रिक्रूटेड टू एनहेंस डॉक्टर कैटरे ठीक है तो जैसे कि पीछे पैंडमिक का टाइम था आने वाले समय में भी हिमाचल से अगर आप देखो तो बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए स्पेसिफिकली चंडीगढ़ पीजीआई सो so, यू you नो know, पाँच सौ और असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर जो है वो रिक्रूट किए जाएंगे डॉक्टर गैडर को बढ़ाने के लिए ठीक है चलिए देन इंक्रीज एरिया अच्छा उन्होंने क्या किया है इंक्रीज एरिया डेवलपमेंट फंड फॉर एम एरिया डेवलपमेंट फंड क्या होता है कोई भी एम है आपका विधानसभा का ऑफ असेंबली का कोई पर्सन है वो अपने एरिया की, एरिया की मतलब अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी जहाँ से वो जीते हुए हैं उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए उनको कुछ पैसा दिया जाता है तो वो बढ़ाकर उन्होंने 180 करोड़ पहले मिलता था वो बढ़ाकर उन्होंने 200 करोड़ कर दिया है ठीक है जी सो so ये um, इस ऐसे ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी अपना एरिया डेवलपमेंट स्कीम आती है जिसको एम पी लैड कहते हैं ये वैसे ही है सो एम एल के लिए अपने एरिया डेवलपमेंट फंड के लिए एक करोड़ से बढ़ाकर इसको कितना कर दिया दो करोड़ कर दिया ठीक है ये एक अनाउंसमेंट है एंड सी एम देखो अभी रिसेंटली यू नो दैट कि लता मंगेशकर जी जो हैं उनका देहांत हुआ है उनका निधन हुआ है सो so, um, उनके नाम पर जो है वो एक महाविद्यालय खोला जाएगा संगीत महाविद्यालय लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय विल बी सेटअप ठीक है उनको ट्रिब्यूट देने के लिए लेकिन कहाँ खोला जाएगा ये कुछ नहीं पता बट जस्ट एक अनाउंसमेंट है ठीक है जब भी खुलेगा जहाँ खुलेगा जहाँ इनोग्रेशन होगी वो हम हम देखेंगे आगे ठीक है आगे देखिए टू साइबर क्राइम पुलिस सेल्स विल भी सेटअप एट मंडी एंड धर्मशाला अब ये हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि बजट में अनाउंस किया है कि या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि दो साइ, साइबर क्राइम पुलिस सेल जो हैं वो कहाँ पर खोले जाएंगे भारत हिमाचल में तो एक मंडी में खोला जाएगा और एक धर्मशाला में साइबर क्राइम आपको पता है ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट और कोई फ्रॉड कर दिया थ्रू इंटरनेट है ना थ्रू कंप्यूटर पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी की जो है वो यूज़ कर ली हमने मिस यूज़ कर ली तो वो सारी चीज़ें साइबर क्राइम में आती हैं और साइबर क्राइम सेल ऐसे दो बनाए जाएंगे एक मंडी में बनाया जाएगा और दूसरा धर्मशाला में बनाया जाएगा ठीक है जी थी? आगे चलते हैं हिमाचल बजट में नेक्स्ट जो अनाउंसमेंट उनकी थी वो थी मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक है ना मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक इन एवरी असेंबली सेगमेंट विल बी प्रोवाइडेड जैसे दिल्ली में होता है ना मोहल्ला क्लिनिक ठीक है ऐसे क्या है कि जैसे पेंडेमिक टाइम था पीछे ऐसे लोगों को बहुत मुश्किलें आ रही थी तो अभी क्या है मोबाइल क्लिनिक की भाई इस तरह का एक मोबाइल क्लिनिक रहेगा जो कि हर असेंबली सेगमेंट में रहेगा लोगों को सुविधा प्रोवाइड करने के लिए तो इसमें और क्या रहेगा आगे अभी क्या क्या रहेंगी चीज़ें वो हमें देखने को मिलेगा जब ये खुलने शुरू होंगे देन पे हाइक फॉर मेयर डिप्टी मेयर इनकी जो पे है वो हाइक की है जो uh, मेयर है म्युनसिपल म्युनसिपैलिटी का म्यूनिस्िपल कॉरपोरेशन का उसकी पंद्रह हजार डिप्टी मेयर की दस हज़ार काउंसलर्स की छ हजार पचास प्रेजिडेंट जो है वो नगर पंचायत के उनकी आठ हजार और वाइस चेयरमैन की सिक्सटी फाइव हंड्रेड की पे का हाइक हुआ है ठीक है फिर है असहाय बाल पुनर्वास योजना असहाय बाल जो हैं जिनको जिनको जो जो ऑर्फिन होते हैं या डेस्टिट्यूट होते हैं जिनका घर नहीं होता उन बच्चों के लिए जो है वो स्कीम अनाउंस की है योजना फॉर देयर रिहैबिलिटेशन कि उनको कैसे रिहैबिलिटेट करना है उनको घर एजुकेशन खाना सब कैसे प्रोवाइड करना है उनके लिए स्कीम अनाउंस की है असहाय बाल पुनर्वास योजना ठीक है स्टिल विदाउट एनी डिटेल देन विडो रीमैरिज ग्रांट्स जो हैं वो बढ़ाई गई है विडो मैरिज में पहले दिया जाता था पचास हजार का सहयोग अब दिया जाएगा सेवेंटी फाइव थाउजेंड का सहयोग विडो रीमैरिज के लिए ठीक है कंस्ट्रक्शन ऑफ वन थाउजेंड न्यू बिल्डिंग्स फॉर आंगनबाड़ी एट अ कॉस्ट ऑफ सेवेंटी करोड़ तो क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बजट में कितने नए आंगनबाड़ी की कंस्ट्रक्शन के का जिक्र है ठीक है तो याद रखना वन थाउजेंड न्यू बिल्डिंग्स फॉर आंगनबाड़ी और बिल्डिंग को बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थोड़ी होती हैं छोटे चुट छोटे आंगनबाड़ी होती हैं आपको सबको पता है कितने होते हैं ठीक है विद द लेआउट मनी जो है वो इसके लिए कितनी कहा गया है सत्तर करोड़ ठीक है जी देन कम्स जेंडर बजट जेंडर बजट देखो ये एक नई टर्म आ गई यहाँ पे जेंडर बजट ठीक है जेंडर बजट क्या होता है इस तरह का बजट जो कि जेंडर बायसनेस को कम करता है जितनी विमेन को सहायता उतनी मेन को मतलब सबको बराबर सहायता ठीक है या सबको आप उल्टा कह लो कि इस तरह से कह लो कि इस तरह का बजट बनाया जाएगा जो सबको एट पार लेकर आता है अगर किसी की डेवलपमेंट कम हुई है तो उसको उसके बराबर में ला खड़ा कर देगा ठीक है अगर वेमेन की डेवलपमेंट कम है तो उनको मेन के बराबर ला खड़ा करना दैट इज जेंडर बजट सो सी एम क्रिएटिंग अ जेंडर बजट प्रिपेयरिंग एन एक्शन प्लान विद नीति आयोग नीति आयोग फॉर विमेन एंड न्यू बॉर्न चिल्ड्रन जो हैं उनके साथ मिलकर जो है वो एक जेंडर बजट जो है वो क्रिएट किया जाएगा एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा जिसमें विमेन और न्यूबॉर्न चाइल्ड जो हैं चिल्ड्रन जो हैं वो उनके उत्थान के लिए वर्क किया जाएगा ताकि वो एड पार आ सकें सोसाइटी के साथ ठीक है Then, pension of, of destitute women, जिनका घर नहीं होता, destitute का मतलब होता है जो बेघर है पैसे नहीं है खाने को नहीं है से 1150, मतलब डेढ़ सौ रुपए बढ़ा दिया ठीक है जी पहले ग्यारह सौ एक हज़ार था अब ग्यारह सौ पचास कर दिया ठीक है फॉर दोज बिटवीन सिक्सटी टू सेवेंटी नाइन ईयर्स जो साठ साल से सेवेंटी नाइन ईयर्स के बीच में ठीक आगे चलते हैं सिक्सटी ईयर ओल्ड एज पें एलिजिबल फॉर पेंशन पहले क्या होता था पैंसठ साल के जो लोग होते थे वो ओल्ड एज पेंशन के लिए एलिजिबल uh, थे तो ये पैंसठ से घटा कर कितना कर दिया साठ हो सकता है क्वेश्चन यही आ जाए सीधा सीधा है ना कि ओल्ड एज पेंशन जो है उसकी एज कितनी कर दी है घटाकर तो उसकी एज कितनी कर दी ओल्ड एज पेंशन की पैंसठ से साठ साल कर दी है ठीक है जी आगे चलते हैं अनाज मंडी अनाज मंडी अनाउंस किया है कहाँ ओपन की जाएंगी सी अनाज मंडी एट रामपुर उन्ना बिलासपुर कांगड़ा ठीक है पंद्रह करोड़ की कॉस्ट लगाकर कहाँ अनाज मंडी सेटअप की जाएंगी रामपुर में उन्ना में बिलासपुर में और कांगड़ा में ठीक है और ये आता है हमारे पास 8.3 परसेंट की ग्रोथ होगी स्टेट की इस बार ये एस्टिमेटेड है तो सीएम जयराम ठाकुर जी ने कहा है दैट इज डिस्पाइट कोविड स्टेट इज एक्सपेक्टेड टू रजिस्टर ग्रोथ ऑफ 8.3 परसेंट इन दिस फाइनेंशियल ईयर ठीक है इस फाइनेंशियल ईयर में जो है वो 8.3 परसेंट की ग्रोथ जो है हालांकि पिछली बार नेगेटिव थी लेकिन इस बार जो है वो 8.3 परसेंट की ग्रोथ से परसेंट से ग्रोथ करेगी हमारी स्टेट ठीक है तो ये 8.3 परसेंट का एस्टीमेट आपने याद रखना है ये एस्टीमेटेड है ठीक है जो फाइनेंशियल ईयर हमारी खत्म होगी इकतीस मार्च उसके बाद जब सारी कैलकुलेशन होंगे उसके बाद आएगी डिटेल रिपोर्ट फिर से कि स्टेट ने एक्चुअली कितना ग्रो किया ठीक है ओके एंड लास्ट अनाउंसमेंट यहाँ पर मैं आपसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ट्रिब्यूट टू फादर ऑफ़ एप्पल जिसको जो हैं सत्यानंद स्टोक्स जिनको हम सैमुअल सैम स्टोक्स भी बोल देते हैं ठीक है तो सत्यानंद स्टोक्स जो कि फादर ऑफ एप्पल माने जाते हैं सी एम ने उनके नाम पर जो है वो एक ट्रेल बनानी है इंट्रोड्यूस द कोटगढ़ थानेदार ट्रेल उनके नाम पर जो कि प्रमोट करेगी टूरिज्म को ठीक है इट्स नॉट इट्स ट्रेल ठीक है ट्रेल आपको पता है कैसी होती है सो टूरिज्म कल्चर एंड हॉर्टिकल्चर इन कोटगढ़ एरिया ऑफ शिमला में ये प्रमोट करेंगे ठीक है टूरिज्म को कल्चर को और हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए इन दिस एरिया तो ये हमारी कुछ अनाउंसमेंट्स थी मेन मेन जो हमने देखी हिमाचल प्रदेश की बजट की और बजट ग्लैंस में देखा हमने देखा कि कितना जो बजट था अप्रॉक्स फिफ़्टी वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव करोड़ का बजट पेश किया और ये सरकार ने पाँचवा बजट अपना पेश किया और हमने इसकी मोटी मोटी जो देखी अनाउंसमेंट्स वो देखी हैं वो आपने ध्यान रखनी है कुछ फैक्चुअल इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आ जाते हैं कुछ फैक्ट्स जो हमने इसमें डिस्कस किए वो आपने याद रखने हैं ठीक है ठीके? अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही इस वीडियो की पी भी मिल जाएगी ठीक है जी चलिए थैंक यू सो मच All the best.